हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्नेहा होम कुक फूड। आज हम बनाएंगे सुरमई फ़िश फ्राई और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी फ़िश फ्राई मसाला कैसे बनाते हैं। बहुत ही बेसिक मसाला है और घर में अवेलेबल चीज़ों से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg सुरमई, 1 teaspoon हल्दी, 2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 2 tablespoon साबुत धनिया, 10 काली मिरी और 10 लौंग, 1/2 teaspoon राई, 1 teaspoon सौंफ, 1 tablespoon जीरा, 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी जावित्री, 1/4 teaspoon मेथी दाने। सबसे पहले हम फिश फ्राई का मसाला बनाएंगे कढ़ाई या पैन में। मैंने कढ़ाई पहले से ही गरम करके रखी है। इसमें सारे खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों को हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। गैस की फ्लेम लो रखनी है। जैसे इसमें से खुशबू आने लगे गैस ऑफ करके इसे ठंडा कर ले। इसे मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे। अब बची हुई हल्दी और लाल मिर्च मिलाकर इसे बारीक पीस लेंगे। ये देखिए हमारा फिश फ्राई मसाला रेडी हो चुका है। इसमें हम नमक स्वादानुसार मिलाकर इसे रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारा फिश फ्राई का मसाला रेडी हो चुका है। फिश को हमें मैरिनेट करना है तो सबसे पहले हम अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसे अच्छे से हम कोट कर लेंगे फिश को दोनों तरफ से। अदरक लहसुन लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे फिश मसाला और फिश को दोनों साइड को अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आपको मसाला लगाते समय फिश ड्राई लगे तो हाथों को थोड़ा सा पानी लगाकर हल्के हाथ से मसाले को अच्छे से स्प्रेड कर लें। फिश को मैरिनेट कर लिया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रखना है। फिश को फ्राई करने के लिए मैं नॉनस्टिक तवा यूज कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल किया है। फिश को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे जब तक ये पक नहीं जाती। ध्यान रखिए इसे पलटते समय, क्योंकि सुरमई बहुत डेलिकेट होती है, मोस्टली पलटते समय ये टूट सकती है। ये ऑलमोस्ट मेरी सुरमई फ्राई रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कि सुरमई अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब तवे पर जो मसाला बचा है उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें राइस मिलाकर फ्राई कर लेंगे। ऐसा बनाया हुआ राइस बहुत ही फ्लेवरफुल होता है और काफ़ी टेस्टी बनता है। जब हमारे घर पे फिश फ्राई बनती है तो मेरे डैड इस राइस को हमेशा बनाते हैं।
इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ। इस तरह से हमारा राइस भी रेडी हो चुका है। इस तरह से हमारी सुरमई फिश फ्राई एंड मसाला फ्लेवर राइस खाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मसालेदार बनी है। इसे इस तरह से राइस के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो ट्राई कीजिए ये रेसिपी और हमें बताइए आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।